क्या धोनी ने आरसीबी के सारे खिलाड़ियों से बदतमीजी की है? क्या धोनी ने आरसीबी की खुशी में खुश ना होने की कसम खाई हुई है? धोनी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतने सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद धोनी ऐसी बचकानी हरकत कैसे कर सकते? ये बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे लगातार चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। आईपीएल 2024 का 68th मैच हम लोगों ने देखा। उस मैच में सब कुछ था, मसाला था, एंटरटेनमेंट था, सब कुछ था। एक तरफ आरसीबी की टीम थी यानी इस साल कप नामने वाली टीम, दूसरी तरफ थाला फॉर अ रीजन यानी सीएसके की टीम थी। ये मैच एक वर्चुअल नॉकआउट की तरह माना जा रहा था क्योंकि इस मैच को कोई भी जीतता वो प्लेऑफ्स में चला जाता। आरसीबी के लिए सिनेरियो था कि 18.1 ओवर में चेस कर ले या 18 रन का डिफरेंस है उसमें जो है चेस कर ले। अब सीएसके के पास कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं था, सीएसके को बस जीतना था, 18 रन से या 18वें ओवर में नहीं, बस एक रन से भी जीतना था। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हुआ। बीच में 10-15 मिनट के लिए बारिश जरूर आई, बारिश ने खेल को बिगाड़ना चाहा, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बेहतरीन है जिसकी वजह से बारिश का इतना ज्यादा इफेक्ट इस मैच में नहीं पड़ा। इस मैच को आरसीबी ने 27 रनों से जीत लिया। सीएसके की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें खत्म हो गई। शायद एमएस धोनी का आखिरी सीजन हो, आखिरी मैच वो खेल रहे हो, उसके लिए सारे फैंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे क्योंकि अगर सीएसके की टीम प्लेऑफ में जाती और चिपॉक में अपना आखिरी मुकाबला खेलती तो सीएसके के फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते। खैर ऐसा नहीं हुआ। सीएसके की खराब बल्लेबाजी और खराब गेंदबाजी सीएसके की पूरी टीम को ले डूबी। शिवम दुबे नहीं चले, जब से वर्ल्ड कप में उनका नाम आया है तब से उन्होंने ना चलने की कसम खा रखी है। ऋतुराज बड़े मैच के प्लेयर नहीं है, प्रेशर नहीं झेल पाए। रविंद्र जडेजा ने शॉट्स लगाए, एमएस धोनी नीचे आए, सेंटनर को ऊपर भेजा, बल्लेबाजी क्रम में सेंटनर को ऊपर भेजा, सेंटनर के बाद एमएस धोनी आए। शायद वहीं से मैच का जो पूरा सिनेरियो था, जो पूरा रुख था वो पलट गया। आरसीबी की तरफ से यश तयाल ने कमाल की गेंदबाजी करी है, विराट कोहली फाफ टू प्लेसी गजब की स्टार्ट दी है, मैक्सवेल ने गेंदबाजी भी करी है, बल्लेबाजी भी करी है। मैक्सवेल वही खिलाड़ी है जो पूरा टूर्नामेंट नहीं चले लेकिन इस मैच में चल गए, बड़े मैच के प्लेयर है। खैर 27 रनों से ये मुकाबला आरसीबी जीत गई और आरसीबी ने अपने फैंस की उम्मीदें जगाई रखी कप लेने की, इस साल कप नाम दे इस चीज को सही करने की उम्मीदें जगाई रखी फैंस के अंदर। उस मैच के बाद हुआ यूं कि मैदान में सारे ही प्लेयर्स आए हुए थे। जब हैंडशेक सेरेमनी होती है, आप सभी को पता है कि जब जब कोई टीम हारती है या जीतती है दोनों टीम्स आपस में आती हैं मैच के बाद और हैंडशेक करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। लेकिन इस मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने एमएस धोनी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ऐसे थे कि एमएस धोनी मैदान में हैंडशेक करने क्यों नहीं आए। दरअसल एमएस धोनी ने मैच के बाद आरसीबी के किसी भी खिलाड़ी के साथ हाथ नहीं मिलाया। लोग कह रहे हैं कि एमएस धोनी के अंदर ईगो बहुत ज्यादा आ गया, वो आरसीबी की खुशी में खुश नहीं हो रहे इसलिए शायद उन्होंने हैंडशेक नहीं करा। या ये भी हो सकता है कि एमएस धोनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो, उनको पता है कि ये लास्ट मैच है उनका, लास्ट सीजन है, इमोशनल हो गए हो इसीलिए वो मैदान पे आके अपने इमोशंस जाहिर ना करने चाह रहे हो क्योंकि आप जानते हैं एमएस धोनी कभी अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं। तो हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी बहुत चल रही है सोशल मीडिया पे, लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। कोई एमएस धोनी को सही मान रहा है, कोई एमएस धोनी को गलत मान रहा है, कोई कह रहा है कि ईगो के चलते नहीं करा तो कोई कह रहा है कि नहीं शायद एमएस धोनी वाकई में बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, शायद इसीलिए उन्होंने मैदान पे ना आने की ठानी। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको लग रहा है कि एमएस धोनी ईगो के चलते नहीं आए या फिर वाकई में वो बहुत ज्यादा इमोशनल थे और वो अपने इमोशंस छुपाना जानते हैं, वो अपने इमोशंस बाहर नहीं लाना चाहते थे ताकि फैंस को पता चले या किसी को भी पता चले कि वो किस तरीके का फील कर रहे हैं। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे जरूर दीजिए।